Tap the bell icon on the YouTube app and never miss out on unique stories from 101 India. मैंने सोचा इनको टॉपी वगैरह देता हूँ। खरीद के टॉपी देने वाला था, एकदम अंदर से विचार आया कि टॉपी देने के बाद में जब तक टॉपी इनके मुंह में रहेगी तब तक मेरे को याद करेंगे कि कोई अंकल आए थे वो टॉपी दे गए थे, उसके भूल जाएंगे। मैंने कहा इनके लिए कुछ कपड़े लाता हूँ। उसके बाद में दिमाग में जो है ये भी विचार बदल गया कि कपड़े भी रहेंगे तो 6 महीने तो रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे। अंदर से कह रहा क्यों ना इनको हम 1 घंटा अपने टाइम में से टाइम निकाल करके पढ़ाने का काम शुरू करें। जब मैं यहाँ पर बैठ कर के पढ़ाता था तो वो लोग जो है कहते थे कि पागल हो गया ये मास्टर, पता है यहाँ पर कहाँ पर ये बच्चों को पढ़ा पाएगा, कहाँ यहाँ पर स्कूल खुल पाएगा। लेकिन हमने कहा हम अपने कर्तव्य पर डटे रहेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, ऐसे धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए। आज बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 270 बच्चे पढ़ते हैं, 2 शिफ्ट में स्कूल चलता है। और उसके बाद में पहले जो है मैं अकेला था पढ़ाने वाले, उसके बाद पढ़ाने वाले लोग जो है मेरे साथ में जुड़ते गए, तो फिर मेरे को उन लोगों से हिम्मत बनी, तो फिर स्कूल अंडर द ब्रिज जो है हमने इसका नाम जो है रख दिया। मॉर्निंग टाइम में जो है लड़के होते हैं जो 9 से 11 में लड़के पढ़ते हैं। सेकेंड टाइम में लड़कियां होती है वो 2 से 4 बजे के बीच में जो पढ़ने के लिए आती हैं। जब स्कूल खोला था खंडर था बिल्कुल यहाँ पर, बाकी ये स्कूल जो है कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है और नहीं का नाम है इसकी कोई एनजीओ है ना कोई सोसाइटी है। ये जो भी कारनामा जो चलता है आम लोगों के जरिए से चलता है, बच्चों को बुक्स दिलाना, नोटबुक दिलाना, पेंसिल्स, किताब। हम लोगों ने टीचर की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, डिग्री को लेने से काम नहीं चलेगा, इसका अनुसरण कीजिए, रोज इसके साथ में काम करोगे जब ही आप जो है इसको तरक्की दे पाओगे, अन्यथा ये कागज का टुकड़ा है। ऊपर से ट्रेन जब आती है तो हम जो है पढ़ाना बंद कर देते हैं, हर 7-8 मिनट में जो है ट्रेन यहाँ से निकलती रहती है, उसको दबाने के लिए या तो तेज बोलना पड़ेगा या फिर चुप होना पड़ेगा। इसके नीचे चलाने का मकसद एक ही है कि धूप से बचना, बारिश से बचना। जब अच्छा काम हो रहा है तो मेट्रो वालों ने भी इस दीवार को जो है बोर्ड बनाने की इजाजत दे दी है। अब मेरे को अंदर से इतना अच्छा लगता है कि जो काम इनके माँ बाप ने नहीं किया वो बच्चे कर रहे हैं, तो बच्चों के माँ बाप को तो खुशी होती है, उनसे ज़्यादा मेरे को खुशी होती है कि मैंने दुनिया में आकर कुछ नेक काम जरूर किया है। लोगों से मैं यही कहना मैं कामना करता हूँ कि अपने क्षेत्र के 10-10 ही बच्चों को केवल पढ़ाएं, 1-1 घंटा ही पढ़ाएं, शिक्षा को प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा करके सबको बांटें, जो कि सबको मिल जाएगा तो कोई ना कोई खा करके कहेगा अरे यार मेरा कल्याण हुआ। केवल अपना ही जीना नहीं है, दूसरों के लिए जीना सिखाओ। अगर बदलाव करना है तो इन बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा आपको। Hi, thanks for watching this video. If you want to watch more such awesome content, make sure you subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook, Twitter and Instagram. There's lots of more cool stuff coming up on 101india.com, our website. Stay tuned.